और लोगों से। आप भी स्टूडेंट हैं? जी। नेट दिया था कि नेट दिया था? मैंने नेट दिया था यार, नेट वाले ज्यादा है जी। ये नेट का प्रोटेस्ट है, जो नेट का जो अभी हाल ही में न्यूज आया है कि उसे रद्द कर दिया गया, इसको लेके हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी पूरा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो खारिज हुआ है, जिस ग्राउंड पे खारिज किया गया है एग्जाम, उसको लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये इनकॉम्पिटेंट है ये पूरा एजेंसी एक इतने नेशनल लेवल पे एक एग्जाम चलाने के लिए। कल रात 10 बजे PIB जो कि केंद्र सरकार का सूचना जो पब्लिकेशन सूचना प्रसारित करने का जिसके पास काम है, रात 10 बजे एक प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि नेट परीक्षा जो 18 जून को हुई है वो उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। नीट परीक्षा नेट परीक्षा दोनों का मामला, अब ये जो स्टूडेंट है ये यूनिवर्सिटीज के है। मैं थोड़ा माहौल आपको दिखाता हूँ फिर। सर, हो जाए शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। चर्चा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ रिक्वेस्ट कर रही है छात्रों से कि आप यहाँ से जगह को छोड़िए। हालांकि दो बस में भर के बच्चे दूसरी जगह पहुँचाए जा चुके हैं, अब महिला पुलिस लगा दी गई है। तो इनसे पुलिस वाले कर रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जो कि यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। नेट का एग्ज़ाम 9 लाख बच्चों ने दिया था, नीट का एग्ज़ाम 23 लाख बच्चों ने दिया था, और यहां पर तमाम सरकार विरोधी जो पार्टियों के छात्र संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमेलिया। आपने नेट दिया था, किसके लिए आप? नहीं नहीं, आई एम हियर फॉर नीट। नीट? हाँ जी। इसी में नेट और नीट दोनों वाले? हाँ जी हाँ जी। वी आर आवर रिक्वेस्ट इज टू स्क्रैप NTA व्हिच हैज बीन गिवन एलिगेशंस, नो ट्रांसपेरेंसी, नथिंग। वी नीड टू स्क्रैप NTA एंड धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिस्पांसिबल फॉर दिस। इनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेदार हैं, शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी, और शिक्षा मंत्री ने भी अभी जब लीकेज का की खबरें आई तो शिक्षा मंत्री ने भी पहले बयान दे दिया कि सब कुछ ठीक है, छात्रों के साथ ऐसा नहीं होगा। बाद में उन्होंने बयान दिया कि NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मसला सामने आने के बावजूद NTA के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और इतने बड़े संख्या में 23 लाख बच्चे एक बार जो मई में एग्ज़ाम हुआ, 9 लाख बच्चे जो जून में एग्ज़ाम हुआ, कुल मिला के 32 लाख बच्चे। अगर आप एक बच्चे को उसको चार परिवार से भी जोड़ के देखा जाए तो ये संख्या 1.25 करोड़ के आसपास होती है। तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जो मामला है ये नीट का। ये देखिए अब यहाँ पर पुलिस वाले कह रहे हैं, अब इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये छात्राएं हैं, पुलिस है। अरे धर्मेंद्र प्रधान की बात हो, जाइए ना। धर्मेंद्र प्रधान बहराओ आप जो आए जी, बस ये कवर करने के लिए हम भी आए, कवर करने के लिए आए हुए पत्रकार जी। ओ बेटा।